हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ओवरनाइट मास्क जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। ये आपकी स्किन पर इंस्टेंट ग्लो लेकर आएगा, आपकी स्किन पे शाइन लेकर आएगा। इसके साथ साथ अगर आपको प्री मेच्योर एंटी एजिंग है, हाइपर पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट, एक्नी, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उन्हें ये दूर करेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अपना ये फेस मास्क। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं। तो चलिए मास्क बनाना स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ मैं अर्के गुलाब लूँगी। अर्के गुलाब हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन में ग्लो लेकर आता है, स्किन को हाइड्रेट रखता है और नेचुरली इसको मॉइस्चराइज भी करता है। तो एक चम्मच मैं जो है वो ले रही हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं बनाना, आपको जितना लेना बनाना है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। यहाँ मैं ग्लिसरीन का इस्तेमाल करूँगी। ग्लिसरीन हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, रिड्यूस करती है साइन ऑफ एजिंग को, इसके साथ एक्नी जो होती है उसे दूर करती है। थर्ड चीज़ जो मैं ले रही हूँ वो एलोवेरा जेल है। एलोवेरा जेल के तो फ़ायदे आप सब जानते हैं, कितनी अच्छी होती है हमारी स्किन के लिए, हाइड्रेट करती है, ग्लो लेकर आती है, शाइन लेकर आती है और ये स्किन को बहुत ज़्यादा सूट भी करती है। कोई इससे साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, नेचुरली तौर पे हमारी स्किन को हील करती है। तो यहाँ पे एक चम्मच मैंने एलोवेरा जेल ले लिया। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अब वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखा करें ताकि आपको चीज़ों की अच्छे से समझ आ जाए। ये फेस मास्क तमाम स्किन टाइप के लिए है, हर कोई इसे इस्तेमाल कर सकता है। ओवरनाइट आपने इसको लगा लेना है और सुबह उठ के अपना फेस वॉश कर लेना है। तो ये देखें, अच्छे से इसे मैंने मिक्स कर लिया और सारी चीज़ें कैसे मिक्स हो गई हैं और ये क्रीम की तरह जो है वो बन गया है। आपने ये देखें, इसी तरह से आपने इसे, आपको जितना बनाना है आप उस हिसाब से इसे बना सकते हैं। यहाँ मैं आपको हाथ पे अप्लाई करके दिखाऊंगी, आप इसे अपने हाथों पे लगाएं, चेहरे पे लगाएं। यहाँ मैंने थोड़ा सा लिया है और ये देखें, अब मैं अपने हाथ पे इसको रब करूँगी। आपने बहुत हल्के हाथ से सारे हाथ पे इसको लगाना है, इसी तरह हल्के हाथ से सारे चेहरे पर इसका मसाज करना है अच्छे से। बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं करना, आराम से हल्के हाथ से आपने चेहरे पे, गर्दन पे, हाथों पे इसका मसाज करना है। बहुत अच्छा है स्किन के लिए, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन अगर किसी को इनमें से किसी इंग्रेडिएंट से कोई एलर्जी है तो वो इसे इस्तेमाल ना करें। सेंसिटिव स्किन वाले भी ना ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है। अब ये देखें, यहाँ मैंने लगाया और ये बिल्कुल अब्सॉर्ब हो गया मेरी स्किन में, ये देखें। अब यहाँ मैं टिशू से आपको दिखाऊंगी, ये देखें, ज़रा भी टिशू पर नहीं रहा, कि चिपचिपा नहीं है, स्किन को रैश नहीं कर रहा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर